पहला औद्योगिक क्रांति हुआ, हम को समझ में नहीं आया, हम गुलामी में थे। दूसरे औद्योगिक क्रांति में हम बने मजदूर, कॉलोनी वालों के मालिकों की, हम लोगों की खून पसीना बहाया उनकी संपन्नता बढ़ाने के लिए, उन देशों की वैभवता बढ़ाने के लिए। तीसरे औद्योगिक क्रांति में हम बने सुपरवाइजर। मित्रों, आज जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 में हम अभी, इस आत्मविश्वास हमारा इसीलिए बढ़ रहा है कि देश की प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2022 की अंतिम तक देश में 5G इंडिजेनस टेक्नोलॉजी से 5G को रोल आउट करेंगे। 5G के कारण देश की शिक्षा और स्वास्थ्य में बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। उसकी एक ही उदाहरण है, आज दुनिया की डिजिटल ट्रांजैक्शन की 40% कंट्रीब्यूशन भारत के लोगों ने दिया है, उसमें IITओं की अवदान अतुलनीय है। मिद्राज को आई ना आप में से किसी ने बनाई है, दुनिया में कोई डेवलप्ड इकोनॉमी को भी मैं कभी समीक्षा करके देखता हूं, समझने का कोशिश करता हूं कि अपने वैक्सीनेशन होने के कुछ सेकंड्स के बाद हमारी मोबाइल फोन टेलीफोन पे एक सर्टिफिकेट आ जाए, शायद ये बड़े बड़े देशों ने भी संभव नहीं हो पाया। हमारी टेक्नोलॉजी कम्युनिटी ने, हमारी अकेडेमिया ने, हमारी नौजवानों ने उसको बना दिया है। मित्रों, मौका आया है, 2047 तक प्रधानमंत्री जी ने कहा और IIT ने उसकी चैलेंज को भी स्वीकार कर लिया है कि 2047 तक आने वाले 25 साल में, अमृत काल में, हम भारत को विकसित देश बनाएंगे, डेवलप्ड कंट्री बनाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और IIT उसकी लीडर्स बनेंगे, इसमें भी कोई संदेह नहीं। लेकिन मित्रों, मैं एक सामाजिक जीवन की कार्यकर्ता के नाते, भारत की पब्लिक पॉलिसी की स्टूडेंट के नाते, एक IIT को बाहर से देखने के नाते, एक ऑब्जर्वर के नाते दो तीन अपेक्षा आपके सामने कहना चाहता हूं। यू आर नो मोर इंस्टीट्यूशन, बाय पार्लियामेंट्री एनैक्ट यू ऑल आर यूनिवर्सिटीज। यू आर नॉट ओनली यूनिवर्सिटीज, यू आर द मॉडर्न एपिसेंटर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी। 21वीं सदी में वैश्विक नागरिक बनाने के लिए जो सिंथेसिस, जो प्रोसेस, जो लैबोरेटरी होने वाला है, उसकी प्रीमियर पॉइंट IITs होगा। मित्रों, 21वीं सदी में क्या होगा? हाइड्रोजन एनर्जी तक हम अटकेंगे? टाइम मशीन में हम अमेरिका में अभी तक पहुंचते हैं 17 घंटे में, आने वाले दिनों में हाइपर लूप्स की दुनिया में हम लोग शायद 7-8 घंटे में, कुछ दिनों में पहुंच जाएंगे। क्या इसी को डेवलपमेंट कहा जाएगा? इसी में हम संतोष होनी चाहिए? या दुनिया के 700 करोड़ लोगों के अंदर, जिंदगी के अंदर कुछ मूलभूत परिवर्तन आ सकता है, इसकी सपना देखने के काम IIT उसकी है। इसलिए IIT यूनिवर्सिटी से ऊपर है, इसीलिए NEP में आपसे अपेक्षा रखा गया है कि आप मल्टीडिसिप्लिनरी बननी चाहिए। मैं क्षमा करिएगा रंगन जी, अजय सूद जी भी यहां बैठे हैं और आप जैसे तमाम विद्वान बैठे हैं, मैं बिल्कुल, मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति संतोष नहीं रखता है जब आप कहते हो कि हम ह्यूमैनिटीज 2500 में एक डिपार्टमेंट बनाते हैं। आखिर हमारी भारतीय शिक्षा अपेक्षा क्या रखती है? क्या सर्टिफिकेट देना? क्या एक एग्जामिनेशन सिस्टम पे खुद को सीमित रखना? या व्यक्ति की पूर्णांग विकास की कुछ योजना बनाना? हमारी अपेक्षा है, हमारी 21वीं सदी में अगर दुनिया की जिम्मेवारी लेनी है तो हमें व्यक्ति की संपूर्ण विकास की जो योजनाएं आवश्यकता होती है, जो रिक्वायरमेंट होती है, जो रणनीति है, जो नीति है, वो सब IITs में बने और दिल्ली IIT में बने। और दिल्ली की तो कुछ एडवांटेज है, मेरे को अत्यंत खुशी हुई कुछ दिन पहले रंगन जी ने हमें कहा कि हम कैसे भारत की पार्लियामेंट से जुड़ेंगे। मैंने उनको कहा पत्र लिखो, उन्होंने पत्र लिखा और मैंने उस पत्र को भारत की महामहिम स्पीकर साहब को भी लिखा है कि IIT दिल्ली भारत की पार्लियामेंट की नॉलेज पार्टनर बनना चाहता है। भारत की प्रजातंत्र में हम तो दुनिया के सारा विषय चिंता करते हैं, लेकिन वो सही है, गलत है, उसमें क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है, क्या सिर्फ हम 2, 5, 10 साल का सोचें या 100 साल का सोचें,
ये सारा विषय को हमें कौन ज्ञान देने वाला है, हमारी नॉलेज पार्टनर कौन होगा? हमारी नॉलेज पार्टनर आईआईटीज होंगे, यूनिवर्सिटीज होंगे, कॉलेजेस होंगे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होंगे। हमारी देश में 75 साल में एक डेफिशिएंसी है, वो डेफिशिएंसी यह है हमारी जितने मात्रा में एकेडेमिया, पॉलिसी मेकर और इंडस्ट्री के कनेक्ट होनी चाहिए वो उतने मात्रा में नहीं है। नहीं है ये मैं नहीं कहूँगा, उतने मात्रा में नहीं है। जो जिस क्षेत्र में काम करता है हमें लगता है हम सर्वश्रेष्ठ काम करते हैं, लेकिन हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कैसे करें, शायद अमृत काल की यही सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसी से ही विश्व की समस्या के समाधान हो सकता है। आज हम सब लोग आइए संकल्प करें, प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा है, देश को आह्वान किया है, पंच प्राण लेने के लिए, प्लेज लेने के लिए कहा है। जो भी हम देखें, बड़ा देखें, गुलामी की मानसिकता से बाहर आके देखें, विरासत को याद रखें, अपनी डाइवर्सिटी इन यूनिटी, भाईचारा बांध को ही याद करके चलें। और मैं तो आज सभी लोग अधिकार जाहिर करते हैं, सब अपने अधिकार को लेकर लड़ते हैं। मित्रों, किसी की अधिकार तब सुरक्षित होती है अगर कोई जिम्मेवारी लेता है, कोई ड्यूटी पूरा करता है। सरहद में सेना अपना ड्यूटी पूरा करती है तो हम चैन की नींद सोते हैं। हमारी गली में अगर हमारे बहादुर रात भर जगता है तो हम भी निश्चित होकर अपने घर में सोते हैं। किसी ना किसी की तो जिम्मेवारी लेना पड़ेगा। आज मैं भारत की सामान्य लोगों की ओर से प्रजातंत्र की एक प्रैक्टिशनर के नाते आपसे अपेक्षा रखने आया हूं, महामहिम राष्ट्रपति जी के सामने आपकी 60 साल की सफल प्रवास की समय ही अपेक्षा रखता हूं। आईआईटीज को ही देश की जिम्मेवारी लेना पड़ेगा, ना केवल देश की, दुनिया की जिम्मेवारी लेना पड़ेगा। तब जाके हम वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी तत्व रहा है उसी को हम साकार कर पाएंगे। आपको इस सब 60 साल की सफल प्रयास के प्रवास के लिए अनेक अनेक शुभेच्छा। देश 25 साल प्रवास करे के 100 साल पूरा करेगा, आप 40 साल आगे ले जाके 100 साल पूरा करोगे। जब दुनिया में हम 100 साल देश की और उससे थोड़ा आगे आईआईटी दिल्ली की हम पूरा करेंगे, हम दुनिया की एक नंबर की अर्थनीति, एक उपभोक्तावादी अर्थनीति नहीं, जिम्मेवारी लेने वाला अर्थनीति की हम सपना देखें। इसी शुभेच्छा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।